गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मेरे साथ में मयंक भाई। मयंक भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, आप बताएं। तो मयंक भाई एक्चुअली काफी टाइम से टाटा नेक्सॉन ईवी चला रहे हैं, और तकरीबन कितना टाइम हो गया मयंक भाई आपको? परसों 3 महीने पूरे हो जाएंगे मुझे नेक्सॉन ईवी। अच्छा, और नेक्सॉन ईवी लेने की कुछ खास वजह? इलेक्ट्रिक पे स्विच करना था, बहुत टाइम से डीजल इंजन यूज कर रहे थे, और टाटा मैं मतलब एक लॉयल कस्टमर हूँ टाटा का। मेरे पास नेक्सॉन पेट्रोल भी है, मेरे पास हैरियर डीजल है, तीसरी गाड़ी मेरी नेक्सॉन ईवी हो गई है। मेरे को याद आ रहा है आपके कजन मुझे मिले थे, उन्होंने भी सफारी मेरे ख्याल में बाय करी थी। तो आप मेरे रिव्यू पे की थी। हाँ, तो ये कंप्लीट टाटा फैमिली हो चुकी है। अब इनके घर में जितनी भी गाड़ियां जा रही है वो टाटा ही जा रही है। और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में आप एक और ईवी प्लान कर रहे हो। टिगोर ईवी और एमजी? एमजी की ZS EV भी बुक की हुई है, बट देखते हैं, टिगोर ईवी शायद नेक्स्ट ईयर तक ले जाए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो क्या है स्पेशल इस वीडियो में, आज मैं आपको बता देता हूँ। ये टाटा नेक्सॉन पिछले 3 महीने से चला रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप डेली कम्यूट कर रहे हो उससे। डेली कम्यूट तकरीबन कितने किलोमीटर पर डे का मेरा एवरेज रन, अगर आप देखेंगे सिर्फ ऑफिस आना जाना ज्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर। बट नेक्सॉन ईवी जब से ली है तो मेरा आसपास का ग्रेट नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, मेरा मेरठ आना जाना लगा रहता हूँ उसी गाड़ी से। ठीक है, तो हम लोग एक्सपीरियंस जानते हैं कि अगर ये टाटा नेक्सॉन ईवी चला रहे हैं और ये टिगोर पे शिफ्ट होते हैं तो इनका बिहेवियर में कितना अंतर आता है, कैसे ये जज करते हैं टिगोर ईवी को, और कितनी इनको भाती है टिगोर ईवी, उसके बारे में जरा चलते हैं। मयंक भाई रेडी हो आप? जरूर चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं। चलते हैं मयंक भाई, आप लेके चलो। हालांकि आप ऑलरेडी से 15-20 किलोमीटर चला चुके हो, बट स्टिल चलते हैं। तो पहले आपने कौन सा मोड सेलेक्ट किया है? ड्राइव। ड्राइव मोड। आप नेक्सॉन भी ड्राइव मोड पे ही चला रहे हो सिटी में, या स्पोर्ट्स भी स्विच कर लेते हो? स्पोर्ट्स कभी बस मन कर गया तो। अच्छा, वैसे रेगुलर ड्राइव चलती है। अच्छा एक चीज बताओ, नेक्सॉन जब आप रोजाना डेली लाइफ में चला रहे हो तो तकरीबन कितने दिन के इंटरवल पे आपको दोबारा चार्ज करनी पड़ती है? नेक्सॉन मेरा एवरेजली 4 से 5 दिन में एक बार। 4 से 5 दिन में? और फॉर एक्सपीरियंस, आपने कहीं लंबे रूट पे लेके गए हो उसको? मैंने सिंगल डे 220 किलोमीटर ड्राइव किया था। ओके, इट वाज लाइक गाजियाबाद टू ग्रेट नोएडा, ग्रेट नोएडा टू नोएडा, नोएडा टू ग्रेट नोएडा अगेन, एंड दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 टू गाजियाबाद। अच्छा, ये टेस्ट स्पेशली किया आपने कि भाई मुझे करना है, उस दिन बिजी डे था? उस दिन मैं गया तो सिर्फ ग्रेट नोएडा था, बट वहाँ से फिर अर्जेंट काम से नोएडा निकलना पड़ा, फिर वापस ग्रेट नोएडा, फिर वहाँ से शाम को मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैं ईवी ले गया। जिस दिन आप वापस आए, मतलब शाम को जिस टाइम आप वापस आए, तो लगभग कुछ बैटरी लाइफ बची हुई थी? इट वाज अबाउट 28-30%। अच्छा, 28-30% बची हुई थी 220 चलाने के बाद भी, यानी कि अच्छा खासा। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं उसको 270 क्लेम कर रहा हूँ। अगर मैंने 270 की जो रेंज निकाली है वो उसी दिन निकाली थी। ओके, और बाकी अगर नॉर्मल डेज में भी कैलकुलेशन करूं तो इट गोज फॉर 250-260 आराम से देती है तब भी। अच्छा, इतना दे देती है। बहुत से लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है नेक्सॉन ईवी की रेंज को लेके, परेशान रहते हैं कि यार मेरी 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर भी नहीं चलती। क्या लगता है, ये ड्राइविंग पैटर्न की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या स्पेसिफिक यूनिट में ऐसा कोई इशू है? क्योंकि आप तो मुझे हैप्पी कस्टमर लग रहे हो काफी। नहीं, सच में मैं मतलब देखो, ये ऐसी चीज है, मैंने एक दो कस्टमर से बात की है नेक्सॉन ईवी के, जो परेशान कस्टमर है, उन लोगों के साथ मैंने खुद बैठकर ड्राइव देखी उनकी। आप बिलीव नहीं करोगे, ज्यादातर लोग ऐसे दिखते हैं मुझे जो जब भी उन्हें टेक ऑफ ओवरटेक करना पड़ता है वो स्पोर्ट्स पे शिफ्ट कर लेते हैं उसको। अच्छा, देखिए मेरा बिजनेस भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, मैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करता हूँ। बिल्कुल, उसमें एक बहुत बेसिक सी चीज, आप जितनी भी बार उसका पीक करंट लोगे आपकी रेंज उतनी घटेगी। बिल्कुल, उसको ड्राइव करने का एक तरीका जो अब तक मुझे पैटर्न समझ में आया है, अगर आपको 60 पे क्रूज करना है बाइक को, सॉरी अपना कार को 70 की स्पीड पे ले जाओ और हल्का सा एक्सीलरेटर छोड़ दो, गाड़ी अपने आप 60 पे आके क्रूज होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, दिस इज दी एक्चुअल वे कि आपको गाड़ी को क्रूज कैसे करना है। वहां पे आके गाड़ी आप ना, मतलब ईवी में तो मुझे नहीं, इसमें टिगोर में तो नहीं दिख रहा मुझे चीज, बट नेक्सॉन में ना एक ग्राफ आता रहता है कि कब बैटरी से रीजनरेशन, हाँ नहीं रीजनरेशन नहीं, उसमें ना एक ग्राफ बनता रहता है, सॉरी उसका गाड़ी में, कि कब टायरों से रीजनरेशन हो रहा है और कब बैटरी से टायरों में पावर जा रहा है, तो वो ऑफ हो जाता है मीटर। अच्छा, दैट इज द सिचुएशन जहाँ पे ना करंट बन रहा है और ना करंट गाड़ी कंज्यूम कर रही है, दैट इज द ऑप्टिमल सिचुएशन अगर आपको हाईवे पे उसको ड्राइव करना है। ओके,
नेक्सॉन में क्या एईसी का ऑप्शन आता है, जैसे कि इसमें एवरेज एनर्जी कंजम्पशन का ऑप्शन आया 156 की रीडिंग उधर देख रहे हो, वो सारी चीजें उसमें नेक्सॉन में है ऑलरेडी, तो वो तकरीबन कितने के आसपास आप रखते हो, आपकी रीडिंग कितने के आसपास रहती है? सच बता तो वो चीज मैंने कभी नोटिस नहीं। करेक्ट करेक्ट। देखो अभी यहां पे 156 शो हो रही है, अगर ये जितना नीचे जाएगा उतनी ज्यादा रेंज बढ़ती हुई चले जाएगी, तो ये चीज है। ये बेसिकली जो मैं पढ़ पा रहा हूं ये है वॉट कंजप्शन पर किलोमीटर। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ तो जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा माइलेज आएगा। करेक्ट। तो अच्छा अब चलो ठीक है, इसकी ड्राइव में और उसकी ड्राइव मोड्स में क्या अंतर आप महसूस कर पा रहे हो? देखो इसका ऑब्वियसली नो डाउट ये जनरेट भी कम करती है, टॉर्क भी कम जनरेट कर रही है इसकी मोटर, और पावर फिगर्स भी कम जनरेट कर रही है, साथ ही साथ इसका बैटरी पैक भी छोटा है, तकरीबन 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो है वो इसमें कम है। तो आप जब इसके ड्राइव मोड पे स्विच कर रहे हो तो कैसा आपको कुछ लैग महसूस हो रहा है नेक्सॉन के कंपैरिजन, यानी आपके फीडबैक क्या है आप बेसिकली ये बताइए मुझे। मैंने शायद आपको जब सुबह पहली बार चलाई थी मैंने एक ही चीज बोली थी, मैंने कहा पेट्रोल। अच्छा पेट्रोल। मुझे ईवी फील नहीं हो रही है। नेक्सॉन को आप चलाओगे ना, एक तो आप कह लो या तो गाड़ी के साइज का भी फर्क है, उसमें ऐसा लगता है कि डीजल इंजन होता तो एकदम जर्क मार के चलता, जबकि ईवी बहुत स्मूथली उठती है। और नॉर्मली आप छोटी पेट्रोल गाड़ी चलाओगे और छोटी ईवी चलाओगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मुझे महसूस हो रहा। अच्छा ठीक है, चलाने के एक्सपीरियंस में, लेकिन जो ड्राइविंग प्लेजर है वो तो आपको ईवी का ही मिल रहा है। वो ईवी का है। ठीक है, तो ये चीज है। और अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में आपको बोलता हूँ, थोड़ा बाहर निकलते हैं तब स्पोर्ट्स मोड में स्विच करेंगे, उसके बावजूद अगर मैं इसके एसी की परफॉर्मेंस की बात करूँ, कंपेयर करूँ नेक्सॉन के एसी से, तो आपको क्या लग रहा है कि इसका एसी? देखिए नेक्सॉन का एसी ऐसा है मुझे, मतलब अगर 15 मिनट में ड्राइव कर लूँ तो 5 मिनट के लिए बंद करना पड़ता है, बहुत चिल हो जाता है, अच्छी ज्यादा कूलिंग है उसकी। बट इसका एसी भी ऑप्टिमम सिटी यूज के लिए ठीक है। अगर मैं कहूँ बिल्कुल आप मई जून की दिल्ली एनसीआर की गर्मी देखोगे तो मैं नहीं कहता कि उसको बैकअप कर पाएगा। अच्छा। और एक चीज मेरा पर्सनल फीडबैक है, वो नेक्सॉन ईवी में भी है इसमें भी है, वो मुझे ये लगा कि टाटा को थोड़ा सा इसके ना ब्रेकिंग के ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, इसके ब्रेकिंग। हाँ, मेरे पास इससे हैरियर भी है, टाटा की और भी गाड़ियां मैं चला रहा हूँ, नेक्सॉन पेट्रोल भी चला रहा हूँ, उसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी ना, मैं अगर इसको सडन ब्रेक कर रहा हूँ तो इसमें वो जर्क ब्रेकिंग नहीं हो रही, इसमें बहुत धीरे धीरे गाड़ी रुकती है। अच्छा, मतलब एक होता है ना कि 20 की स्पीड के बाद गाड़ी झटका लेकर रुक जाती है, इसमें वो चीज नहीं है, इसमें वो 5 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की स्पीड तक भी धीरे धीरे होती है गाड़ी। तो इस चीज पे आई थिंक टाटा को कंपैरेटिवली आपको लगा कि ब्रेक पेट्रोल में और डीजल से इसमें एक चीज का मुझे ड्रॉबैक ये लगा। बट हाँ, ये है कि ईवी को बहुत ज्यादा तेज स्पीड में मैं ड्राइव भी नहीं करता, तो इट्स ओके फॉर मी। अच्छा मयंक भाई, एक चीज और मुझे बताओ यहाँ पे, कंफर्ट में कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि ये सेडान है एंड सेडान आर मोर नोन फॉर देयर कंफर्ट, तो जब कंफर्ट की बात आती है तो एक एसयूवी से, भले ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या कैसी भी व्हीकल हो, कोई भी फ्यूल टाइप हो, तो उससे अगर आप इस सेडान पे उतरे हो तो कंफर्ट में कितना अंतर आया, आपको महसूस हुआ कि कुछ कंफर्ट लेवल में ऊंच नीच हुई है या क्या? असल में मेरी हाइट जो है वो 6 feet 1 inch है, तो मेरे लिए तो एसयूवी ही बेटर है। सेडान मेरे पास होंडा सिटी भी है मेरे पास, तो मैं खुद उसको ड्राइव भी नहीं करता इसीलिए। मेरी हाइट के हिसाब से सेडान्स मुझे सूट नहीं करती, बट हाँ अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ, सीट्स की बात करूँ, तो दैट इज सेम एज नेक्सॉन ईवी। अच्छा ठीक है, और अंदर के देखो मैं जहाँ तक महसूस कर पा रहा हूँ, ये नेक्सॉन जितनी प्रीमियम फील नहीं करती है, बट हाँ जरूर एक चीज और है यहाँ पे कि नेक्सॉन जितने फीचर्स इसके अंदर जरूर दिए गए हैं, वो कनेक्टेड फीचर्स की बात हो या जिप ड्रॉप टेक्नोलॉजी से बात हो, सेफ्टी के जो है वो उतने ही स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं जितने नेक्सॉन के अंदर रखे गए हैं। और गजब की बात यह है कि नेक्सॉन के पास में एक 5-star रेटिंग ज्यादा है, लेकिन वो फ्यूल टाइप में है। इसकी जो रेटिंग्स है हमारे पास में वो आईसीई में भी है, वो भी 4-star रेटिंग है, और अब तो थोड़े दिन पहले परसों तरसों जो है वो इसकी भी रेटिंग्स आई थी, वो भी 4-star रेटिंग ही है। नेक्सॉन ऑन द अदर हैंड हमारे पास में 5-star रेटिंग केवल पेट्रोल या डीजल फ्यूल टाइप में ही है, उसकी ईवी में रेटिंग नहीं है, बट मोस्ट लाइकली उसकी भी 4 या 4 से प्लस ही जानी चाहिए। तो सेफ्टी में मुझे नहीं लगता कि दोनों में ही कुछ भी ऐसा जो है वो ड्रॉबैक रहेगा। और चीज हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, स्टेयरिंग फीडबैक की बात हो या आपकी ड्राइविंग प्लेजर कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ है जब आप नेक्सॉन से इस पे उतरे हो, उसके बारे में जरा बात करें। देखिए अगर आप नेक्सॉन के स्टेयरिंग व्हील की बात करोगे ना, सो वो एक प्रीमियम फील आपको देता है बीएमडब्ल्यू ऑडी मर्सिडीज वोल्वो जैसा, जिसका ऊपर उसमें लेदर या फोम का कह लो कोट है,
वो चीज़ इसमें फील नहीं हो रही, इसमें काफ़ी बेसिक प्लास्टिक है, बट हाँ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ तो नेक्सॉन का और इसका सेम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अब कंक्लूड कर लेते हैं गाइस, अब मयंक जिसे पूछते हैं कि दोनों के ही बेस वेरिएंट में तकरीबन 2 लाख रुपए का अंतर है, तो व्हाट वुड बी योर पिक अगर देखा जाए तो, और नेक्सॉन और बजट फ्रेंडली अगर हम लोग देखें कि भाई ठीक है बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो नेक्सॉन ईवी और टिगोर में से आप क्या लेना पसंद करोगे यहाँ पे? देखिए अगर आपका मार्केट का काम ज़्यादा रहता है शहर के अंदर तो आप ज़रूर टिगोर के ले जाइए, क्योंकि गाड़ी का साइज़ थोड़ा छोटा है। नेक्सॉन मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बट हाँ अगर आप वैल्यू फॉर मनी देखोगे मेरे लिए नेक्सॉन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है, और एक रीज़न उसका सेफ्टी भी है। टाटा में सिर्फ इसलिए प्रेफर करता हूँ कि वन ऑफ द सेफेस्ट इंडियन मेड ब्रांड है, वॉल्वो के बाद वॉल्वो अगर आप बात करोगे वो सेफेस्ट कार्स बनाता है, बट दैट इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। करेक्ट। इवन माय ब्रदर ओन्स अ वॉल्वो S90, और वो भी उन्होंने मेरे सजेशन पे ली थी सेफ्टी की वजह से, बट हाँ जो सेफ्टी मुझे टाटा में मिलती है, मेरी हैरियर एक बार मेरे से लगी थी, मैं झूठी बोलूँगा, उसमें शायद मारुति की एस्प्रेसो थी। अच्छा। उस गाड़ी का दरवाजा, उसका बी पिलर सब टूट के खत्म हो गया, बट मेरी हैरियर का बम्पर भी नहीं था। सो दिस वाज समथिंग जो एक सेफ वाली फील देता है ना आपको, कि आप अंदर बैठे हो तो आप सेफ हो, बाकी दुनिया तो फिर भी बाद में देखोगे आप, जान है तो जहान है वाली कहानी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मेरे को भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है गाइस, क्योंकि जब हम नेक्सॉन ईवी की बात करते हैं तो इट गिव्स यू बेटर रोड प्रेजेंस, इट गिव्स यू बेटर ड्राइविंग प्लेजर भी उसके अंदर ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपके पास में एक बेहतर टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला मोटर होता है, ज़्यादा अच्छा टॉकी मोटर होता है, इनफैक्ट उसका बैटरी पैक भी ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली टिगोर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो झुकाव आप 2 लाख रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए और नेक्सॉन ईवी का जो है वो बेस वेरियंट उठाइए, मुझे वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो गाइस वीडियो को अभी यहीं पे रैप अप करते हैं, और मयंक जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड इट्स प्लेजर टेकिंग यू ऑन माय चैनल। प्लेजर इज माइन टू सर। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।